उत्तर प्रदेश के हापुड़ की गंगा नगरी ब्रजघाट 48 घंटों में 11 लोगों की जहरीली शराब के सेवन से मौत होने की अफवाह होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। अफवाह की पुष्टि करने के लिए एडीएम और एएसपी ने ब्रजघाट पुलिस चौकी पहुंचकर मृतकों के परिजनों से बातचीत कर जानकारी कर गहनता से जांच पड़ताल की है। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ में सभी मृतकों की मौत बीमारी अथवा हार्ट अटैक से होना बताया गया है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16-17 में कुछ मौतें हुई हैं। 6 लोगों की सूचना कल मुझे मिली थी, जिसमें हम सभी लोग यहाँ प्रशासन के लोग भी और पुलिस प्रशासन के लोग भी, मैं स्वयं भी यहाँ अपने स्टाफ के साथ उपस्थित रहा। और जो परिजनों ने जो बयान दिया है स्थानीय थाने पर चाहे हम लोगों के सामने, उससे बात स्पष्ट ये नहीं हो पाई कि क्या कर, पूरी तरह से स्पष्टता से नहीं कह सकता कि उनकी मौत शराब पीने से हुई है अथवा किसी प्रकार के शराब पीने से अथवा जहरीली शराब पीने से हुई है। उन्होंने जो बयान दिया उससे बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह सकता है कि उनकी मृत्यु अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कारणों से और बहुत से लोगों की बीमारी से, हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक से, इस तरह से मौतें हुई बताई गई। सर, 3 लोगों के जो अज्ञात शव बरामद हुए थे उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि अज्ञात शवों को रखने का नियम है, पोस्टमार्टम क्यों किया गया? पोस्टमार्टम यहाँ छोटी काशी में, मैं आपको बता दूं, काशी के नाम से आपका ये गढ़मुक्तेश्वर जाना जाता है। यहाँ घाट पर तमाम तरह के लोग रहते हैं और बहुत से फकीर और संत भी रहते हैं, इस तरह से लोग रहते हैं और बहुत से भिक्षा याचना करने वाले भी लोग रहते हैं। बहुत से लोगों के बारे में लोग जानते नहीं एक दूसरे को और निश्चित रूप से इस संबंध में उनके बहुत से लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उस संबंध में जानकारी उनके वास्तविक रिहायशी स्थल के बारे में जानकारी उनके बारे में नहीं हो पाई। लेकिन अधिकारी भी बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गंगा नगरी ब्रजघाट में 48 घंटे के दौरान 11 लोगों की संदिग्ध दशा में मौत हो गई, जिससे 11 लोगों की मौत से गंगा नगरी में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं आज मौतों के मामलों ने तूल पकड़ लिया और लोगों में जहरीली शराब के सेवन से मौत होने की चर्चा तेज हो गई। जहरीली शराब के सेवन से गंगा नगरी में 11 लोगों की मौत होने की अफवाह से जनपद के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आज एडीएम जयनाथ यादव और आबकारी आयुक्त राम मणिनाथ त्रिपाठी, एसपी सर्वेश मिश्रा, जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र पांडे, सीओ पवन कुमार, गढ़ आबकारी निरीक्षक सीमा कुमारी ब्रजघाट स्थित पुलिस चौकी पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों से जानकारी ली। मीडिया के माध्यम से एक विषय पे हमें अटेंशन खींचा गया है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ मौतें हुई हैं। उन सभी मौतों को वेरीफाई करने के लिए हमने एडीएम साहब और एडिशनल एसपी दोनों को भेजा और उन्होंने सभी परिजनों से जाकर के मुलाकात की। सभी परिजन, उनमें से जो भी नाम हमारे सामने आए थे, उन लोगों के तथ्यों के ऊपर इसकी तफ्तीश की गई है, जिसके तफ्तीश में हमें ये पाया है हमने कि इसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हर्निया से हुई है, 2 व्यक्तियों की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है और बाकी 3 जो और लोग थे उनकी मृत्यु भी नेचुरल डेथ है। कोई भी चीज़ कहीं भी हमें अपनी तफ्तीश में ऐसे नहीं चली कि कुछ भी इसमें अननेचुरल या फिर कोई चिंता या संशय का विषय हो। फिर भी हम लोग इसकी गंभीरता से जाँच कर रहे हैं और जो नाम आ रहे हैं इन नामों को भी हम वेरीफाई लगातार कर रहे हैं कि ये नाम क्यों उठाए जा रहे हैं। ये मीडिया के लिए अभी तत्काल तो मैं यही कह सकता हूँ कि किसी तरह की भ्रामक सूचना है और जिस पे कोई विशेष कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हम लोग क्षेत्र में और भी इस चीज़ पे सतर्क रहेंगे। जहाँ मृतकों के परिवार वालों ने पूछताछ में किसी की भी मौत हर्निया, किसी की हार्ट अटैक, जबकि किसी की लंबी बीमारी से होने की बात कही है। पुलिस ने परिजनों के अलावा आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। वहीं पुलिस चौकी में जनपद के आला अधिकारियों को देखकर गंगा नगरी के लोगों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं आबकारी विभाग की टीम ने जगह जगह से ठेकों से शराब के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन मामला संदिग्ध होने के बाद भी किसी भी मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। क्या मामला हुआ था बताएंगे जी? उन्होंने एक मतलब 2 दिन पहले दारू पी थी। अब दारू पीने के बाद में 3रे दिन को उनके सिर में दर्द हुआ था। सिर में दर्द होने के कारण उनको शाम के टाइम वो अपने दवाई लाए थे, लेकिन सिर में दर्द फिर भी बंद नहीं हुआ। अब उनको 7-8 बजे करीब वो कहने लगे कि मेरे पैर सुन्न से हो रहे हैं। तब वो सुन्न में वो डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो बाहर हूँ, लेकिन आप वहाँ जाइए ओमकार डॉक्टर के यहाँ।
तो हम वहाँ गए, लेकिन उन्होंने सीधे कह दिया कि जी के गढ़ ले जाओ इन्हें, हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, तो एकदम उनकी मतलब सांसें भी कम हो गई थी, तो इसी वजह से अब उसके कारण जो है वो नई सवारी वगैरह कुछ नहीं मिली। अब वो गाड़ी वगैरह को मतलब फ़ोन किया था उनकी एम्बुलेंस के लिए, लेकिन वो भी 11 बजे आके लगी थी, इतने मतलब वो हो गया था, उनके सांस वगैरह बहुत खत्म हो गई थी। हापुड़ से श्याम कौशिक की रिपोर्ट।